हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एलपी ग्रुप के यूट्यूब चैनल एलपीसी ऑन स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक किए थे, ठीक है ना। आज हम जो पिछली तीन वीडियो मैंने कराई हैं उन्हें बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको समझाए थे। आज हम उन्हीं टॉपिक के आधार पर कुछ प्रश्न लेके आया हूँ मैं। ये कुछ वीडियो मेरी उस प्रश्नों पर रहेंगी जो उन टॉपिक से रिलेटेड है, तो उन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जितने टाइप्स के वो हम करेंगे इसमें। तो प्रश्न आप फर्स्ट है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है बहुत इजी है ये, 1023 डिग्री मल्टीप्लाई 1067 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, ये सब क्या आंसर है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। हिंदी में लिखा सकते हैं, इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, किसके बराबर बताइए, कुछ भी लिखा सकता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल है 23 है ये 67 है, दोनों ही एंगल की वैल्यू है, ठीक है ना, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एड करके चेक करेंगे क्या ये एंगल का सम कितना है। तो जब दोनों प्लस किया मैंने, दोनों का हम पाया कि दोनों का सम जो आ रहा है वो 90 आ रहा है, ठीक है ना। 23 का और 67 का जब सम करके देखा 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर यदि मैं बात करूं, जैसे मैं करूं 23 प्लस 67 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यदि मैं 67 निकालूं यहां से तो क्या होगा, 90 माइनस 23 ये तो होगा, अगर मैं दोनों साथ 10 ले लूं तो 1067 इसको लूं 1090 माइनस 23 ले सकता हूं। तो 1067 क्या ले सकता हूं मैं, 1090 माइनस 23। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जैसा है वैसे ले दूंगा, और दूसरा क्या होगा, 1067 क्या निकाला मैंने, 1090 माइनस 23, तो लिखूंगा यहां पर 1090 माइनस 23, ठीक है। तो 1020 का 1023 रहेगा, इसको चेक करेंगे 1090 माइनस थीटा, तो 10 पे कोट हो जाता है, चेंज हो जाएगा 90 पर, तो 10 का कोट हो जाएगा और थीटा क्या रहेगा, 23 रहेगा। हमें बताया था दोनों वैल्यू सेम, जब बताया था मैंने जब 10 को मल्टीप्लाई कोट से करते हैं सेम थीटा में तो इसका आंसर होता है 1 होता है, इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है ना। मैं बताया समझाने के लिए टाइम लिया इसमें, आप भी डायरेक्ट करोगे, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं सेम वही प्रोसेस है, यहां पे 10 cot 10 सॉरी cot 20 cot 7 cot 70 और cot 80 इस पर गिवन है। तो हम पेयर बनाएंगे किन किन का सम 90 हो रहा है, तो मैंने देखा cot 10 को देखा और cot 80 को देखा, ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, cot 20 cot 70 मिलकर आपको 90 बना रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में किसी एक को चेंज करूंगा तो cot 10 का cot 10 रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, cot 80 को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ऐसे cot 20 cot 20 रखेंगे और cot 70 को हम चेंज करेंगे तो 1020 हो जाएगा, तो इन दोनों सम कितना है 90, इसलिए जैसे ऊपर किया है सेम वैसे ही करेंगे ने, तो 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे रिवर्स, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आप भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, दो दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप लिख दोगे आंसर 1 ही आएगा। इसकी बात करें तो सेम है, 1062 की डिग्री दे रहा है, y के बराबर है, 1028 पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों चेक करो पहले क्या 62 और 28 का सम 90 हो रहा है, फिर 90 चेक करते हैं। तो मैंने चेक किया कि हां दोनों का सम 90 आ रहा है, तो मैंने देखा 62 प्लस 28 क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे तो इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो 1028 किसी बराबर हो जाएगा, दोनों सम 90 हो रहा है तो 1028 बराबर हो जाएगा 1028 इक्वल टू हो जाएगा cot में आ जाएगा, ठीक है ना, cot 62 हो जाएगा।
और कोर्स जी ना ये 1062 है, यहाँ पर कोर्स 62 है, यहाँ एक्स कौन वाई है, तो रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, वाई कौन एक्स हो जाएगा, इसको अपोइड हो जाता है, ठीक ना, तो सेम आगे क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो 10, 15 इसके अंदर 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चलता रहो और कहाँ तक है 75 तक है, ठीक ना, तुम देखेंगे इसको देखें 90 हो रहा सम, 16 का चेक करती हम 19 हो रहा है, 17 चेक करती है 19 हो रहा है, इससे पता लग गया 19 हो तो सबका आंसर, ठीक ना, तो इसके अंदर जितनी पेयर बन रही है 15 का 70 ऐप से 16 का सभी पेयर बनेंगे, ठीक ना, तो उसका सबका सम कितना आएगा, सबका स्पोर्स करेंगे बनाएगा, पर लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू और आएगी 1045 जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक ना, आगे चल के 40 भी आएगा काउंटिंग में जिसका पेयर नहीं बनेगा, पर लेकिन इसके यहाँ वैल्यू पता है क्या होती है, आगे बताऊँगा कैसे वैल्यू निकालते हैं, अभी आप समझ लीजिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 tan θ − 3 = 0, जब 4 tan θ − 3 जीरो के बराबर है और जो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये क्वेश्चन में कंडीशन है आपके पास कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पड़े हुए आप इस प्रकार अपने इस फर्स्ट में थीटा नहीं है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा फर्स्ट में नहीं है तो किस में होगा, तो चेक कर लेते हैं पहले यहां से tan θ निकालते हैं, तो tan थीटा इसका माइनस थ्री था ना, तो इक्वल टू लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू माइनस थ्री उधर भेजेंगे प्लस का थ्री हो जाएगा, ये फोर को इधर नीचे करें ट्रांसफर नीचे पॉइंट में आ जाएगा। हमने देखा कि tan थीटा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो tan किसे पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है, पढ़ा था हमने कल परसों जो क्लास थी जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो ठीक ना, और फर्स्ट में सभी होते हैं और होते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा फर्स्ट में है नहीं है, तो फर्स्ट में नहीं तो किसमें होगा, थर्ड में होगा, ठीक ना, और थर्ड में tan cot पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव होंगे। अब दूसरी बात करते हैं ये वैल्यू की 3/4 की, तो 3/4 के एल है आपका ये आधार, ठीक ना, ये प्रकरण को ये बेस है, तो डबलेट बनेगा, डबलेट किए क्या हो जाएगा आपका 5, डबलेट बने थे आपने क्या 3/4 दे रहा था, अगर 5 होगा तो किए निकाल दिया, अब ये वैल्यू दे रहा है हमें, इनकी बात करते हैं, तो 5 का 5 निकल गया sin 2 थीटा, तो फार्मूला पढ़ाया नहीं मैंने, इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है प्लस 3 sin थीटा और प्लस cos थीटा, हमने क्या लिखा पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, पर केवल इसका फार्मूला बोल दिया sin 2 थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अब सभी वैल्यू पुट करेंगे 32 या 10 मल्टीप्लाई sin थीटा क्या होता है आपका लंब वर्टिकल, ठीक ना, तो लंब कितना आपका 3 और कट कितना है 5, पर लेकिन थर्ड में तो थर्ड में sin का तो माइनस का तो वैल्यू माइनस की आएगी, याद रखना है, ठीक है ना। cos की बात करेंगे, cos का क्या होता है आपका आधा वर्टिकल, तो आधा कितना है 4, कट कितना है 5, cos या माइनस का होता है थर्ड में तो वैल्यू माइनस की आएगी, प्लस का प्लस 3 का 3, sin का फिर बात करेंगे तो माइनस का 3/5 और cos की बात करेंगे इसकी ये 4 है तो प्लस 4 का 4 और cos की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका 4/5, फिर इस प्रकार से आएगा ये भी माइनस का आएगा, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं सबका, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले 5 से कट कर सकते हैं 5 या 10, ठीक है ना, और सॉल्व कर लेते हैं 4 या 12, 12 या 24 अपॉन 5, माइनस का माइनस से प्लस का साइन आ जाएगा, यहां करेंगे प्लस 3 9 तो 9 अपॉन 5, पर लेकिन माइनस और प्लस तो यहां माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा ऐसे यहां करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 16 अपॉन 5, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम सेम में, अब इसमें क्या करें 24 रहेगा
9 ऊपर माइनस का 25 तो माइनस 1 अपॉन 5, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए बहुत लंबा लग रहा है, आप इसे शॉर्ट में करोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 6, इसमें ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है sin 37 अपॉन sin 50 cos 53, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो फर्स्ट हम यही चेक करेंगे क्या इन दोनों का सम 90 है। तो मैंने देखा कि हाँ, जब मैं 37 का प्लस करता हूँ 53 से तो 90 आ रहा है, तो फिर अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसे आसान बताता हूँ, तो sin 37 को sin 37 रहने दीजिए और cos को sin में चेंज कर लीजिए, तो cos 53 चेंज हुआ, क्या आएगा sin 37 हो जाएगा। कैसे तो बता देता हूँ, तो आप ये लिखोगे cos 90 माइनस 53 में निकालोगे ना, तो 90 माइनस 37 तो आपका क्या हो जाएगा sin 37 अपॉन sin 37, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 पे cos चेंज हो जाएगा, cos sin में होता है, थीटा 37 है, तो हम कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस प्रकार आपका आंसर 1 आ गया। अब क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों क्वेश्चन 7 देखते हैं कि tan theta की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एक करने का क्वेश्चन आ गया, स्टार का क्वेश्चन है, तो पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है तभी निकाल पाएंगे। तो tan theta लिखेंगे यहां पर, ठीक है, इसकी वैल्यू की बात करें हम, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, प्लस का साइन है तो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में चेक करेंगे इसमें कौन सा वैल्यू बड़ी है, तो इसका फैक्टर हमने क्या किया, एक होता 2 एक 3 हुआ, तो बड़े फैक्टर्स को ले लें 3 को, तो tan theta क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ नीचे है नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ऊपर वैल्यू l हो जाएगी 1 की, ठीक है ना, मतलब लंब हो जाएगा ये आधा या परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ये tan theta वैल्यू, तो आप k निकाल लोगे, तो k कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो आ जाएगा रूट के अंदर 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अब निकाला क्या हमें sin स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं sin थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो sin थीटा कितना है, क्या होता है आपका लंब वर्टिकल, ठीक है ना, तो लंब कितना है 3 और कट कितना है रूट के अंदर 10, इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9/10। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वाइन नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, टैप्स करते जाएंगे, जैसे ही सारे टैप्स जितने भी टैप्स में अभी तक कराए हैं उनके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम नए टैप पे चलेंगे, नया टॉपिक उठाएंगे 2 मिनट में से ही जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।